नमस्कार दोस्तों, रेलवे की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हां, आम आदमी को बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है रेल टिकट में। जी हां, रेल टिकट में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि धोखाधड़ी बहुत हो रही है आजकल। रेलवे में सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी हो रही है टिकट को लेकर। जी हाँ, मिनटों में टिकट कन्फर्म हो जाता है और जो आदमी कन्फर्म टिकट कराने के लिए लाइन लगाए रहते हैं उनका टिकट कन्फर्म नहीं हो पाता। दोस्तों, रेलवे में ऐसे गैरकानूनी काम हो रहे हैं जिससे लोगों को टिकट ना मिलकर उन लोगों को टिकट मिल जाता है जो ज़्यादा पैसा देते हैं। इसी सब को ध्यान में रखकर रेलवे ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और दोस्तों, ये काफ़ी तारीफ करने वाली बात है। आम आदमी को अब ये सुविधा मिलने जा रही है। तो दोस्तों, वीडियो को फटाफट लाइक करिए और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं जहाँ पर न्यूज़ पब्लिश किया गया है, ताकि आप लोगों को पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए। तो दोस्तों, देख सकते हैं खुशखबरी, तत्काल ट्रेन टिकट बुक करने के लिए नहीं होगी कोई टेंशन। रेलवे ने उठाया ये बड़ा कदम। जी हाँ, रेलवे ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। अब लास्ट मिनट में आपको तत्काल टिकट, जी हाँ, बुक करने के लिए कोई चिंता नहीं करनी होगी। अब तत्काल टिकट बुकिंग की चिंता दूर हो रही है। पैसेंजर फ्रेंडली कदम उठाते हुए रेलवे ने उन सभी गैरकानूनी सॉफ्टवेयर और 60 एजेंट्स पर कड़ी कार्रवाई की है जो पहले से ही तत्काल टिकट को ब्लॉक कर लेते थे। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF के डायरेक्टर जनरल अरुण कुमार ने कहा कि एक विशेष ऑपरेशन के तहत उन सभी पर कार्रवाई की गई है जो तत्काल ट्रेन टिकट को ब्लॉक कर लेते थे। इसके बाद अब तत्काल टिकटों की संख्या में इजाफा होगा और टिकट बुक करने के लिए भी पर्याप्त समय मिल सकेगा। सेकेंडों में अगर आप लोग जल्दी नहीं करते थे तो आपका टिकट कैंसिल हो जाता था और जो ये गैर कानूनी लोग थे ये आपका टिकट चुरा लेते थे। जी हाँ, इसी सब को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने बहुत बड़ा कदम उठाया। तो दोस्तों, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, अब इसका लाभ आपको मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को सभी तक पहुंचा दीजिए। जी हाँ, ये जानकारी इतनी इंपॉर्टेंट है कि सभी तक ये जानकारी पहुँचनी चाहिए, आपका कर्तव्य है। जी हाँ, तो दोस्तों, लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।